वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पे बिल्कुल खैरियत से हूँ। अरे आपको अपने अफजामान में कहो अल्लाह मुझे हसीदों की असर से बचाए। तो फ्रेंड, आज सातवीं शहरी, आप सबको सातवीं शहरी मुबारक हो। फ्रेंड, हम सब ने शहरी कर ली है, बस नमाज फजर का इंतजार है। फिर मुझे सुबह उठ के स्कूल भी जाना है। तो अब कब लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अ फ्यू आवर्स लेटर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पे बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह आपको अपने जमान मर गया और अल्लाह मुझे हसीदों की असर से बचाए। तो फ्रेंड, आज मैं ट्यूशन जाने से एक घंटा पहले जल्दी उठ गया। अब भी बज रहे हैं 3 और मुझे 4 बजे ट्यूशन जाना है। मामा ने मुझे उठाया, मामा को दूध चाहिए था तो मैं गया फटाफट से दूध ले आया। फ्रेंड, अब मैं जा रहा हूँ नमाज ज़ुहर अदा करने। तो अब मैं मिलता हूँ नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद। A few moments later. तो फ्रेंड्स, आज मेरा फेवरेट चॉकलेट कस्टर्ड बन रहा है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, माँ ने चॉकलेट कस्टर्ड बनाया है। तो मुझे और मामा को बहुत पसंद है, मेरे पापा को नहीं पसंद। इसके लिए हमारे घर में चॉकलेट कस्टर्ड थोड़ा कम बनता है। मामा, ये रेडी हो गया है? नहीं भाई, अब कुछ देर, बस कुछ फ्यू मिनट्स पकेगा, इसके बाद से थोड़ा फ्रिज में रख दूंगी। ज़्यादा ठंडा नहीं करूँगी क्योंकि आपकी तबीयत सही नहीं है। मामा, वो जोड़ क्या बनाएंगी? मैं तो सोच रही हूँ कि रोल बनाऊँ, लेकिन देखते हैं आगे। ठीक है मामा। फ्रेंड, आज मेरा फेवरेट कस्टर्ड बन रहा है। तो अब और मामा कह रही हैं कि इफ्तार के लिए रोल बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, रमजान मुबारक कितना स्पीड में गुजर रहा है। रमजान मुबारक के 7 रोजे हो गए। वैसे तो मस्जिदों में आम दिनों में तो मस्जिदों में खाली खाली होता है, लेकिन रमजान की क्या बात है, रमजान में मस्जिदें फुल हो जाती हैं। रमजान में गलियों में रौनक होती है, सहरी के वक्त रौनक होती है, सहरी के पहले रौनक होती है। पूरी रात बच्चे गलियों में रोडों पे क्रिकेट खेलते रहते हैं। जब बाहर निकलो मज़ा भी आता है और इबादत करने में भी बहुत ही मज़ा आता है। रमज़ान आता तो 11 महीने बाद है, लेकिन चला बहुत ही जल्दी जाता है। तो फ्रेंड, रमज़ान में सहरी करने में, इफ्तार करने में बहुत मज़ा आता है और कुछ ना कुछ अलग भी पकता है। तो मुझे तो रमज़ान बहुत ही पसंद है। तो फ्रेंड, अब मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। तो अब मैं मिलता हूँ ट्यूशन जाने के बाद। A few hours later. अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इफ्तार कर लिया और नमाज़े मगरिब भी अदा कर लिए। तो अब हम देख रहे हैं जीतो पाकिस्तान। तो फ्रेंड, अब नमाज़े इशा की अज़ान होगी, तो हम तरावी के लिए भी जाएंगे। और फिर आज अब तो हमारा ज़्यादातर नमाज अल्लाह की इबादत और मस्जिदों में ही गुजर जाता है। हमें बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह हमारा साल इस तरह ही गुजारे और हम सब को नेक बना दे। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, देखते ही देखते 7 रोज़े गुजर गए। इसी तरह पूरा रमज़ान मुबारक चला जाएगा, लेकिन रमज़ान मुबारक के अलग ही मज़े हैं। इसमें इबादत करना भी बहुत ही मज़ा देता है। आम दिनों में जहां हम कुरान पाक खोलने में भी सुस्ती करते हैं, लेकिन रमज़ान पाक में तो
हमें बहुत ही मज़ा आता है कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज़ें पढ़ना। बस अल्लाह पाक हमारी ये आदत बना दे कि हम रमज़ान के अलावा भी नमाज और कुरान की पाबंदी करें, और अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक को हमारे लिए रहमतों और बरकतों वाला बना दे। अनकरीब रहमत का अशरा ख़त्म होने वाला है, अल्लाह पाक हम पे सब पे अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए। तो फ्रेंड्स, मैं अरहम की मम्मा आज आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो आज की जो मेरी टिप है वो है ऑयल के मुतालिक। रमज़ान में हर किसी के घर में ऑयल में चीज़ें फ्राई होती हैं, लेकिन एक ऑयल कई बार यूज़ करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन महंगाई की वजह से हम एक ऑयल को बार बार रीयूज़ करते हैं। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन एक बार ऑयल यूज़ करने के बाद इसके अंदर जो हमने चीज़ फ्राई की थी उसके कुछ ज़र्रात रह जाते हैं, जिससे ऑयल काला हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम इसमें जब कोई और चीज़ फ्राई की जाए तो ये ज़र्रात उस चीज़ के ऊपर लग जाते हैं, जिससे वो चीज़ की भी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है कि हमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लें, और जो ऑयल है वो ठंडा ऑयल, उसे चूल्हे पे अभी नहीं रखना। ठंडे ऑयल के अंदर हम ये कॉर्नफ्लोर मिला हुआ पानी मिक्स कर देंगे और फिर हम चूल्हा जला देंगे, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ऑयल जैसे ही गर्म होने लगेगा तो कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर है वो अपने अंदर सारे ज़रात और जो काले ज़रात हैं वो सब अपने अंदर जज्ब करना शुरू कर देगा, और कुछ ही देर में उस कॉर्नफ्लोर की शक्ल पकोड़े की तरह होना शुरू हो जाएगी। जब आप देखें कि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह पकोड़े की तरह पक गया है और उसने सारे काले ज़रात अपने अंदर ऐड कर लिए हैं, तो आप उसे छान लें और फिर आप देखेंगे कि माशाल्लाह ऑयल आपका बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, और फिर हम इसे और 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि ज़्यादा एक ऑयल को बार बार रीयूज़ ना करें, सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी टिप, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा बच्चा भी रोज़े रखता है और हम बहुत मेहनत करता है, बहुत स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, नमाज तरावी, इसके अलावा भी जो इससे हो सकता है वो वीडियो एड करता है। तो बस उसे ज़रूर सपोर्ट करें, अल्लाह पाक उसे कामयाबी अता फरमाए और उसे हर बुरी नज़र से, हासिदों की हसद से बचाए। तो अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मैं चाहती हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस साल की इजाज़त हो गई है, तो मैं अब जा रहा हूँ नमाज इशा अदा करने और तरावी अदा करने। तो मैं आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नए आने वाले हैं वो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी सारी अपडेट पहुँच सके। आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिटू अल्लाह हाफिज़ को, अल्लाह हाफिज़ को, सबको जल्दी जल्दी चलिए अल्लाह हाफिज़ को। कंधे पर।